दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर आ चुका हूँ उत्तर कुमार जी एक और नई फिल्म शूटिंग लोकेशन पर। फिल्म तो काफ़ी पुरानी है मगर शूटिंग लोकेशन जो है मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, लगभग 2004 में फिल्म आई थी उत्तर कुमार जी धाकड़ छोरा। धाकड़ छोरा फिल्म आई थी 2004 में, जिसको लगभग 18-19 साल हो चुके हैं। तो वो इसी गाँव में थी जो मेरे पीछे गाँव आगे जाके गाँव पड़ेगा कुरालसी। ये गाँव है मुजफ्फरनगर का एक गाँव है कुरालसी, जो बुढ़ाना में पड़ता है, कुरालसी गाँव है। और यहाँ पर आगे जाकर स्कूल है, जहाँ पर वो स्कूल थोड़ा आगे स्कूल है जहाँ पर उत्तर कुमार जी पढ़ते हैं, वो स्कूल पीछे है मेरे। अभी मैं आपको जो है उत्तर कुमार जी की धाकड़ फिल्म शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूँ। और उत्तर कुमार जी का घर जहाँ पर उत्तर कुमार जी रहते हैं और सब्बों का घर भी, और यहाँ स्कूल जहाँ पर वो पढ़ने आते हैं वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो वो 18 साल हो चुके हैं। 2004 में फिल्म आई थी धाकड़ छोरा, उसी नाम से इनका नाम भी धाकड़ छोरा बन गया था उत्तर कुमार जी का। और इस गांव में जो है निकम्मा फिल्म भी और धाकड़ छोरा 2 भी इसी गांव बनी थी। तो आज हम जो है उत्तर कुमार जी की धाकड़ छोरा जो पार्ट 1 आया था पहली बार 2004 में, उसकी शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको अंदर जा करके धाकड़ छोरा फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूं। उत्तर कुमार जी का गाँव जिसमें क्या उत्तर कुमार जी फिल्म धाकड़ छोरा बनी थी, कुरालसी गाँव है मुजफ्फरनगर का। दोस्तों ये है वो स्कूल जहाँ पर उत्तर कुमार जी की धाकड़ छोरा फिल्म शूट हुई थी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो निशान थे ऊपर वो ख़त्म कर दिए गए हैं, पुरानी बात हो 18 साल, तो अभी इस तरीके से बना दिया गया निशान है। और इधर से आते हैं वो, और यहीं पर ही मैं देख सकते हैं आप वीडियो लोकेशन में आपको मैं जो है स्क्रीन शॉट में लगा दूँगा। इसके अंदर गेट से जाते हैं तो इसी स्कूल पर फिल्म धाकड़ छोरा बनाई गई थी, और इसके अंदर जो है पढ़ने के लिए आते हैं सब्बो और उत्तर कुमार जी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। थोड़ा चेंज हो चुका है पहले से, आप देख सकते हैं इसे। और इधर से भी कुछ सीन ले आता है, जमीन जाती है तो वो सामने वो पेड़ होता है कोने में, ये दीवार स्कूल की, और यहाँ पर जो है ये दिखाई देता है। क्या होता है कि हीरोइन निकल कर आती है तब आज यहाँ खड़े होकर बात करते होते हैं। तो ये आपको दिखाई देगा जो आप देख सकते हैं, ये नाला भी दिखाई देता है, नाले का वो यहाँ से लिया गया था सीन। तो पहले इधर कुछ नहीं था, अभी घर पर बन गए। तो ये है गांव कुरालसी, उत्तर कुमार जी की फिल्म धाकड़ छोरा इसी गांव में बनी थी, इसी स्कूल में अंदर भी बनाई गई थी मगर अंदर जो है उन्होंने मना कर दिया है। अभी आपको सीन में एक चीज़ मिला देता हूँ, आप गाड़ी पे उतरते हैं ना, गाड़ी पे इधर से आती है सामने से, तो वो सामने आपको घर दिखाई देगा, आपको दिखा देता हूँ मैं। इधर से आते हैं उत्तर कुमार जी गाड़ी पे, फिर सामने बैठ के उस सामने ये वाला देख सकते हैं आप, ये मकान दिखाई देता है उसकी छजली, और ये गेट आप देख सकते हैं KS इंटर कॉलेज कुरालसी मुजफ्फरनगर, ये गेट वहीं है अभी भी। और ये थोड़ा नीचे का यहाँ का चेंज कर दिया गया है, तो ये सामने वाला थाना ही बाद में बना है। तो अभी कुछ तो दोस्तों अभी भी देख सकते हैं आप, यहाँ फिल्म में भी बम्बू आपको दिख जाएगा, और यहाँ भी पड़ा हुआ है बम्बू जो फिल्म में जो नाले में लगता है ना, वो नाले के नीचे पानी के लिए लगता है बम्बू, यहाँ पर भी पड़ा हुआ है और यहाँ भी आप देख सकते हैं। इस गाँव को देख सकते हैं कुरालसी को, और अभी मैं जो हूँ अंदर जाने वाला हूँ गांव में, यहाँ पर क्या सब्बों का घर होता है और उत्तर कुमार जी का घर होता है। चलिए चलते हैं अंदर। तो ये होता है दोस्तों सब्बों का घर उस फिल्म में, और अभी ये टूट के नया बन चुका है, यहाँ कोई पहचान नहीं है, पर एक पहचान मुझे यहाँ पर मिल पाई है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक सीन में क्या होता है। लास्ट में जो हीरोइन के घर के आगे झगड़ा होता है, यही रास्ता इसी रास्ते पर जो है लास्ट में फिल्म में झगड़ा होता है, और यहीं फिल्म का एंड भी होता है। ऊपर से छंद सत से एक सीन ले जाता है, उसमें यहाँ पर दीवार होती है यहाँ पर, और ये वाला मकान आपको दिखाई देता है, देख सकते हैं आप, इसमें जो है ये विंडो दिखाई देती है, और ये मकान फिल्म में आपको देखने को मिल जाएगा धाकड़ छोरा में। और यहाँ इधर की साइड में वो दीवार होती है, ये बंद होता है, अभी ऊपर से बन चुका है, तो नीचे का हिस्सा था, सिर्फ यही पहचान मिली है यहाँ पर सब्बों के घर के आसपास की, वो इधर जाती है उत्तर कुमार जी निकल के। तो ये घर की पहचान मैं आपको स्क्रीन शॉट ला दूँ, आप देखोगे तो आप पहचान करोगे, ये विंडो देखिए आप, ये गेट छत से ऊपर से दिखाया गया था इसी, और ये वही रास्ता होता है, इधर मशीन खड़ी होती है, यहाँ दीवार होती है। अभी वो सब खत्म हो चुकी है, काफ़ी पुरानी हो गई फिल्म, ऊपर का हिस्सा था नहीं, अभी बाद में ऊपर का बना हुआ है, सिर्फ यही हमें पहचान मिली है। बाकी जो घर है ये जो घर है सब्बों का होता है, अभी ये जो है फूट चुका है और नया बन रहा है। तो यही घर था उत्तर कुमार की फिल्म धाकड़ छोरा में सब्बों का घर, यहाँ से वो बाइक से निकलते हैं हीरोइन के साथ, इधर से जाते हैं बाइक पर,
और इधर को जब जाते हैं ना तो ये घर दिखाई देता है, ये वाला आपने देखा, ये खम्बा भी, ये कोना भी दिखाई देता है, इधर का भी खम्बा खड़ा होता है, और ये सामने देख सकते हैं आप इधर दीवार होती है। यही वो घर है सामने वाला, उनका घेर होता है। और इधर जो है वो भैंसों को निलाते हैं ना, तो मारने भागती है, वो सीन यहाँ था। तो यहाँ पर खाद डली होती है उनकी, और ये जीना भी दिखाई देता है, ट्रैक्टर खड़ा होता है वहाँ पे, उत्तर कुमार जी फिल्म धाकड़ छोरा में। और यहाँ मशीन होती है लोग यहाँ पर, और यहाँ उत्तर कुमार जी मोटरसाइकिल पर खड़े होते हैं जब वो जाते हैं मोटरसाइकिल से। अब हीरोइन के घर सबों घर जाते हैं, यहाँ से निकल गए बाइक लेकर के। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आप मूर्ति जो लग रही है यहाँ पर, इनसे मैच कर सकते हैं फिल्म में। तो यहाँ से उस तरीके से फिल्म को ऐसे लिया जाता है सीन। और जहाँ पर ये मोटर भी रखी ना, तो यहाँ पर एक मोटर रखी हुई होती है बड़ी, और सामने वो ट्रैक्टर होता है। ये वही मकान है, कलर चेंज हो चुका है। चलिए मैं आपको जो है लोकेशन मैच कर रहा हूँ। लोकेशन तो कुछ यहाँ की ऐसे होती है कि यहाँ पर जो है उत्तर कुमार जी की खाट पड़ी होती है यहाँ पे, इस जगह पर, और उनके भाई आते हैं छोलने के लिए कहते हैं, तो उनकी खाट यहाँ होती है। और यहाँ पर मोटर हुई है पुरानी, अभी दूसरी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप लगे हुए देख सकते हैं, यहाँ पर मूर्ति वगैरह लगी हुई है। तो वो सीन यहाँ से लिया गया था। और एक सीन में क्या होता है, वहाँ सामने ट्रैक्टर खड़ा होता है उस जगह पर। और एक सीन में क्या होता है, इस तरीके से ये सामने जीना दिखाई देता है, और यहाँ खाट पे वो सोते हुए थे उस टाइम। ये छप्पर नहीं होता है जीना, आप देख सकते हैं कलर चेंज था, बाकी वो सीटिंग यहीं की थी। और बाकी जो भैंस निलाते हैं वो यहाँ का सीन दिया गया था। यहाँ पेड़ होता है नीम का, सूख सुखा है, सामने बना हुआ नहीं था। तो यहाँ तीनों को जो मारते हैं वो सीन जो यहाँ लिया गया था। ये उत्तर कुमार जी का फिल्म में घेर दिखाया गया था, ये घर। तो यहाँ पर जो है शूट की गई थी उत्तर कुमार जी की धाकड़ छोरा। ये मूर्ति दिख जाएंगे आप, बात हो नहीं बता नहीं है, कोई अर्जेंट काम। आते रहे जो है, मतलब वहाँ से घर जाते हैं, उस घर की सेटिंग थी जहाँ पर उन्हें बांध के डालते हैं, तो वहाँ भी बना लेते हैं। अब ये है उत्तर कुमार जी की फिल्म धाकड़ छोरा में उत्तर कुमार जी का घर, यही घर दिखाया गया था उत्तर कुमार जी की धाकड़ छोरा फिल्म में। वो बांध के डालते हैं, यहीं डालते ना उन्हें बांध के डालते यहाँ पे, इस जगह पे। अच्छा, और उसमें बाथरूम में नहाया, उसमें बाथरूम में नहाया था वो। अच्छा, और यहाँ पर शायद वो उनकी जब वो बांध के डाल दी, उनकी भाभी इधर बैठी, इधर होती ना बैठी हुई यहाँ पे, ये दिखाया गया था। अभी सेम ऐसा ही था पहले भी। तो ये है उत्तर कुमार जी का घर, देख लो, धाकड़ छोरा में। ऊपर का तो कोई सीन था ही नहीं शायद, जिस तरीके से दिखता 18 साल के बाद आप देख सकते हैं। तो जब उत्तर कुमार जी दोस्तों पढ़ते हैं, तो पढ़ने वाला सीन यहाँ का होता है, वो यहाँ कूलर लगा हुआ होता है, ताक हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए थे कुर्सी पे, खाट पे पढ़ते हुए थे उत्तर कुमार जी, और इधर से यहाँ से तो बांध पकड़ के ले जाते हैं उनके भाई और पिताजी, उधर ले जाकर जो है बांध देते हैं।
वहाँ यहाँ पर बांध के डाल देते हैं। और वहाँ सामने जो होता कूलर लगा हुआ होता, आप देख सकते हैं थंबले देख रहे हैं आप, ये वही है। वीडियो में देख करके आप जो है मैच कर सकते हैं इन्हें। और यहाँ पर एक सीन होता है, उनके भाई यहाँ पर खड़े होते इधर, यहाँ भी देख सकते हैं वो ताका भी बनी है। और ये उनका किचन होता है, यहाँ पर सीन लिया था एक। और यहाँ पर जो है रोटी बनाते हुए होते हैं पिता भाई उनके, वो सीन इधर का लिया था, ये पहले कच्चा था, अभी इस पर कलर हो चुका है। और जो त्रिकुमार जी नहाने के लिए आते हैं तो वो उधर बाथरूम में नहाते हैं, फिल्म में दिखाया गया था वो वही बाथरूम था। हीरोइन जो है देख करके भागती है, तो वो सीन यहाँ का लिया गया था। उस टाइम जो था ये सब कच्चा था, अभी दोबारा बन चुका है, पक्का हो चुका है। तो ये था त्रिकुमार जी का धाकड़ चढ़ा, एक सीन ऊपर भी लिया गया था। कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं, ये वही घर है जो उत्तर कुमार जी का धाकड़ चोर में दिखाया गया था। आज तो तड़के तड़क आ गया, उससे भी दबा रहा, कुत्ते भी पाली छोड़ी, बाल भी काट रहा, किसी को लेकर भाग जाएगा के? अबे, अभी से स्कूल को बंद कर दे।